ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी, ये कल की तस्वीरें हैं जब बीरभूम के बोलपुर में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे, तो वो तस्वीरें आपने देखी। अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी ये खबर है कि उसी जगह पर बीरभूम के बोलपुर में अब रोड शो करेंगी ममता बनर्जी भी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। वहीं पर रोड शो करेंगी जहां पर कल अमित शाह का रोड शो हुआ। तारीख भी बता देते हैं आपको, 29 दिसंबर को बोलपुर में अब ममता बनर्जी का रोड शो होने वाला है। 28 दिसंबर को ममता बनर्जी बोलपुर में राजकीय बैठक करेंगी। इसी बोलपुर में अमित शाह ने यहां पर रोड शो किया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 20 दिसंबर कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जब बड़ी संख्या में यहां बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता जमा हुए, अमित शाह के रोड शो का हिस्सा बने, उनका समर्थन करते हुए नजर आए। और उसी जन सैलाब को देखकर अमित शाह ने कहा था कि ये ट्रेलर है परिवर्तन का, बदलाव का। ये ट्रेलर है जो बता रहा है कि बंगाल में इस बार चुनाव में परिवर्तन होकर रहेगा। अब ममता बनर्जी ठीक उसी जगह रोड शो करने जा रही है जहां पर अमित शाह ने रोड शो किया। 28 दिसंबर को बोलपुर में एक बैठक करेंगी ममता बनर्जी, और फिर 29 दिसंबर को बोलपुर में जहां अमित शाह ने रोड शो किया, वहीं ममता बनर्जी का रोड शो। एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, बीजेपी सांसद की पत्नी टीएमसी में शामिल हो गई। सौमित्र खान, इनकी पत्नी है सुजाता मंडल, जो टीएमसी में शामिल हो गई। बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सौमित्र खान, उनकी पत्नी सुजाता मंडल। सौमित्र का चुनावी प्रचार वो एक जमाने में संभाल रही थी, अब वो टीएमसी का हिस्सा बन गई। तो अब तक आप देख रहे थे टीएमसी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, अब उल्टा देखने को मिल रहा है यहां से। अब बीजेपी के नेता टीएमसी का रुख भी कर रहे हैं, और ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। पति बीजेपी में है, पत्नी टीएमसी का दामन थाम रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.